अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धरती टीवी में भलीकार मां या मंजर अजीज सब का पेरा शामिल कनासी हिन वक्त जो हेडलाइंस। कौमी असेंबली में मिनी बजट जो पड़ाडो, मिनी बजट मामले ते अपोजिशन पारा हुकूमत ते छो छंडी दे सख्त तनकीद। डिप्टी स्पीकर कासिम थोरी की सदारत में कौमी असेंबली जो इजलास। नून लीग के ख्वाजा आसिफ चवाए तो पाकिस्तान एक सिलेंडर 1971 में कयो हो, उनका वधी खतरनाक सिलेंडर हाने कयो पे वने। हुकुमरान पाकिस्तान के खुद मुख्तियारी के सिलेंडर कर वही रहा है। मिनी बजट और मरकजी बैंक बाबत बिल खुद मुख्तियारी खत्म करने की मुतरादिफ है। स्टेट बैंक में अगवाटी गवर्नर के नाले से वायसराय अची चुको है। स्टेट बैंक IMF की लोकल ब्रांच बनी वही है। मुल्क इन वक्त आलमी मालियाती इदारन की कानूनी बनी वो है। राजा परवेज अशरफ चो तवाम अगवाटी महंगाई सबब तबाह हाल है। मिनी बजट से अवाम के अहजन में वधीक इजाफो थींदो। सेनेट इजलास में पीपी सेनेटर श्री रहमान पारा कौमी सलामती पॉलिसी ते सवाल उथारण ते हुकूमती मेंबर की मुदाखलत। गोड़ अपोजिशन जो सख्त एहतजाज। अपोजिशन ए हुकूमती मेंबर के चेयरमैन की डाइस आडो एक बे खिलाफ नारेबाजी। मुखालिफ धुर के मेंबर जो कौमी सलामती पॉलिसी ऐवान में पेश न करण खिलाफ वॉकआउट। श्री रहमान जो चवण है तो कौमी सलामती के मामले से पार्लियामेंट के बायपास कयो वयो। कौमी सलामती पॉलिसी सेनेट में छो पेश न कई वही। TTP जै पाकिस्तान खिलाफ जहाद जो ऐलान किया है। अवा उन माफ करण ए खेन कबूल करण वही रहा हो। उन पॉलिसी से पाकिस्तान महफूज थी नो। हर पार्टी चाहे थी तो एस्टेब्लिशमेंट उन जे मथे ते हथ रखे। एस्टेब्लिशमेंट जो फैसलो आहे तो उहा चूंडल हुकूमत जो साथ दींदी। अपोजिशन मार्च जरूर करे पर मार्च में न पेंजे फैसले ते नजरसानी करे। नवाज शरीफ के अचण से को फर्क न पवंदो। टे मानू हिते आहिन। सियासी ताबूत के खणण जा चार पावा घुर्बल हुंदा आहिन। इमरान खान की एजेंडा महंगाई जो खात्मो आहे। वफाकी घरू वजीर शेख रशीद। बिजली 4.83 रुपया फी यूनिट वधीक महंगी थियण जो इम्कान। नेपरा चेयरमैन माहवार फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद से बिजली महंगी करण बाबत दलील बुधण का पोए फैसलो महफूज कर छो। मंजूरी से वापेदारन से 29 अरब रुपये जो इजाफी बार पवंदो। नेपरा चेयरमैन के समूरन पावर प्लांट्स की बंदिश जो शेड्यूल नेपरा शेयर करण की हिदायत। पीपुल्स पार्टी बिजली के अगन में इम्कानी वाद रद्द कर छी। श्री रहमान चवाए तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करण से वहां पेदार 40 अरब रुपये का वधीक बार पवंदो। गरीब आवाम के रिलीफ पैकेज देण की दावेदार हर डी महंगाई जो बम केरन पाया। वहां पेदार महंगी LNG सा बिजली पैदा करण जा जिम्मेवार आहिन। तबाई सरकार एक साल में बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 रुपये का वधीक इजाफो किया है। महंगाई का परेशान आवाम मथा वधीक बार न विधो वन। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तदा वहाब चवाए तो आइन मूजिब गैस जिता निकरे थी पैरों हक उन सूबे जो है। सिंध सूबे के पेंजे हिस्से की गैस न थी डिनी वे। PTI न गैस न बिजली आई न ई रोजगार दई सकी। गैस दवाओं खंड अटरे ए बिजली जो बोहरान पैदा थी वो। मुल्क जो हर शहरी महंगाई सबब परेशान है। वफाकी हुकूमत पेंजी जिम्मेवारी पूरी करण में नाकाम थी चुकी। कराची जो अवाम दिसंदो PTI MQM छा कयो आई पीपल्स पार्टी छा कर रही है। सजी दुनिया में बयानिए की जंग जारी है। हुकूमत समुंड पार पाकिस्तान के सहूलतूँ फराम करण ले कोशिशों वे पई। असा सभी के गड़ी पाकिस्तान अवाम की खिदमत करनी है। परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी जो इस्लामाबाद में 41 सिफारती कोर्स की पुजानी वाली तकरीब के खिताब।
वफाकी राजधानी जो नव मकानी निजाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मेयर की सीधी चूंड और डिप्टी मेयर के हटाने कानून के खिलाफ है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जरिए नव निजाम गैर आइनी है। दरख्वास्त में मौकिफ घरू सेक्रेटरी और कानून वाले सेक्रेटरी का 11 जनवरी तक जवाब तलब। वडे वजीर की ज़रात बाबत सलाहकार मंजूर हुसैन वसान की सदारत हेठ सिंध के फर्टिलाइजर्स कंपनी और डीलर जो इजलास। सिंध में भाण की खोट बाबत गौर विचार। मंजूर वसान जो चवण है तो सिंध के पैं हिस्से की यूरिया भाण की कोटा न पी मिले। सिंध के हारिन के वक्त सर जरई भाण मिलन घुर्ज। डीलर जो जी कोतायूं उ खत्म थियन घुर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस से पुलिस जो छापो। ऑफिसरन का पुछा गाछा रिकॉर्ड तलब। डीआईजी ओभर मुकद्दस हैदर नसरा टावर मामले की जांच लए एसएसपी ओभर अल्ताफ हुसैन की सरबराई में 5 रुकनी जांच कमेटी जोड़े छड़ी। जांच कमेटी में डीएसपी यूसुफ जमाल इंस्पेक्टर खुशनूद निसार अहमद मेंबर तौर मुकर्रर किया गया। जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से नसरा टावर के जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल कर जांच कंदी। कराची में कस्टम इख्तियारिन पारा 6.25 मण मंशियात के बाहे दई साड़ियो वयो। 55,000 शराब जो बोतलू बिलडोज कई व्यू। साड़ियल मंशियात में हीरोइन चर्स नसवार सोपारियो माओ शामिल। कस्टम इख्तियारिन मूजिब जाया कयल शराब ए मंशियात की मालियत 2,47 करोड़ का वधिक है। चीफ कलेक्टर कस्टम दखण अब्दुल कादिर मेमर जो चवण है तो सिंध में बलोचिस्तान बेन पासन का मंशियात स्मगल थी है। हैदराबाद में अगूणे एमएनए गनी टालपुर के घर में धाड़े वाले वाक़े की जांच लिए जेआईटी कायम। एसएसपी की सरबराई में 6 मेंबर से बदल गडल जांच टीम जोड़ी वही। जेआईटी के जांच करे 7 दिन अंदर रिपोर्ट देने की हिदायत। सांगड़ भरसा औरत जो फाहो खादल लाश हथ। वालदेन पारा मुड़स से कतुल जो इल्ज़ाम। गोठ टीह जमड़ाव में परणल औरत पुठियाणी जो घर में फाहो खादल लाश मिलो। नारी के वालदेन संदस मुड़स से कतुल जो इल्ज़ाम मड़े छो। नारी के मुड़स राजू भील है तो संदस जाल आपघात किया है। इतला से सिंजोरो पुलिस लाश खड़ाए अस्पताल मुंतकिल कर। सखर की अदालत नौशरो फेरोज में गिरफ्तार तीन जवाबदार के 5 दिन के रिमांड से एफआईए हवाले कर छो। एफआईए सखर की टीम कार्रवाई कदे फोती औरतों के नाल से मोबाइल सिमू कढ़ाए फरार जरिए पैसा कढ़ाने के इल्जाम हेठ तीन जवाबदार तुफेल खलील बबन के गिरफ्तार कर वरतो। शाह लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर की शागिर्दियाणी खुशबू भट्टी के हिरासा कदर जवाबदार सफदर वसान अदालत में पेश। बिन डीहन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। राणीपुर पुलिस मूजिब सफदर वसान की शागिर्दियाणी से बदतमीजी करने वाले केस में जमानत थे है। खेस बिन शागिर्द धुरिन में थे झेड़े वाले केस में गिरफ्तार किया गया है। कुंभ में 3 साल अग पुरस्कार नमूने गुम थियल नौजवान जो को पतो पेजी न सको। एहसन अब्बास मला के वारसन के अजा भी संदस ओसियड़ो। कें सा दुश्मनी ना है। पुलिस इख्तियार नोटिस वी पुट की गोला में मदद कन फरहाद मला की अपील। सिंध में भाण की हथरादू खोट ए ब्लैक के विक्रे खिलाफ मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा। सांगड़ में यूरिया भाण की हथरादू खोट खिलाफ आबादगार हेठ जमड़ाव रोड से एहतजाजी मुजाहरों कयो। जाति में यूरिया भाण की खोट ए ब्लैक के विक्रे खिलाफ जमींदार एक्शन कमेटी ए आबादगार मुख्तियार कर ऑफिस गेट अगर मुजाहरों।
शहदाद कोट में सिंध आबादगार बोर्ड सियासी ऐं समाजी अगवाड़न जो कोटू मोटू चौक से एहतजाजी मुजाहिरो नारेबाजी सेठार जामे आबादगारन जो एहतजाज आबादगार अगवाड़न जो चुणाए तो यूरिया भार के डीलरन हथरादू खोड़ पैदा करें 1750 रुपये की फोरी फी बोरी 2400 का 3100 रुपये ताई विक्रो कर रहा है। आई सिंध पुलिस नॉन वैक्सीनेटेड कोरोना जो शिकार फोत थियल ऑफिसर्स के माली फायदन ले ना अहल करार दई छो। सिंध पुलिस के वेलफेयर बोर्ड के इजलास में अहम फैसला वैक्सीन न कराइंदड़ अहलकारन के वबा में मुब्तला थियण की सूरत में 10,000 इमदाद रकम न मिलंदी। कोरोना में फोत थियल नॉन वैक्सीनेटेड अहलकारन के वारसन के ऐलान 5 लख रुपया इमदाद न मिलंदा।